शहर में कोरोना वायरस की वबा बढ़ने लगी। रोज बरोज मुतअद्दद शहरी कोरोना का शिकार होने लगे। वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 396 तक जा पहुंची। जहां बहक मरीजों की तादाद 11 जबकि पंजाब में मरीजों की तादाद 2410 हो गई। सूबे में 21 अफराद वायरस का शिकार होकर जहां बहक। कोरोना पॉजिटिव केसेस पर 5 रोज से सील सिकंदरिया कॉलोनी में मजीद 86 रिहायशियों के टेस्ट। मकीनों को घर से बाहर निकलने की ममानियत। दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस। हेल्थ डिपार्टमेंट के अहलकार तायुनात। पॉजिटिव केसेस पर सील। चाहमीरा मक्खनपुरा में नाकिस इकदाम के सबब राशन तकसीम का अमल। बदनज़मी की नजर। मुतासर 154 घरानों में से सिर्फ 70 को राशन मिल सका। कैंप जेल के वार्डर में भी कोरोना की तस्दीक। वायरस से मुतासर कैदी और अमले की तादाद 60 हो गई। हुकाम को मजीद 18 कैदियों और 8 अमले के अरकान की रिपोर्ट का इंतजार। जेलों में वायरस में मुबतला कैदियों की तादाद 80 हो गई। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। वजीर आला की गिरफ्तारत। इजलास में लॉकडाउन में तौसी पर गौर। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से हसास मकामात की कड़ी निगरानी की जा रही है। इजलास में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद अहसान, डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर मोहम्मद आमिर मजीद, चीफ सेक्रेटरी और आईजी समेत दीगर की शिरकत। लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती अहकाम मजाक बन गए। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर। दफा 144 के खिलाफ वर्दी में इजाफा। आईजी पंजाब का बिला वजह निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। शादी ब्याह सालगिरह तकरीबात सख्ती से रोकने का हुक्म। सीपीओ का समाजी फासले से मुतलिक नए SOPs बनाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब का शहर का फजाई दौरा। लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा। वजीर आला उस्मान रोजार ने बंद मार्केट्स और तजारती मराकज का मुशाहिदा किया। सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल देखी। वजीर आला की हुकाम को नाकों पर सख्ती की हिदायत। एक बार फिर शहरियों से घरों में रहने की अपील। मुतासर खानदानों में इमदादी रकूम की तकसीम का दूसरा मरहला। एहसास कवालत प्रोग्राम के तहत लाहौर के 30 मकाम से खवातीन को 12,000 फीकस की तकसीम। 59,000 खवातीन को एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम की फराहमी जारी। डीसी लाहौर ने सेंटर्स के हंगामी दौरे करके इंतजामात का जायजा लिया। स्कैनिंग हाथ धुलवाने का अमल और समाजी फासला रखने पर जोर। जबकि इमदादी रकूम से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन महरूम। कोरोना वायरस के फैलाव में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और सरकारी इदारे भी पेश पेश। गवर्नमेंट आशा डिग्री कॉलेज में कायम एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए नाकिस इंतजाम। कोरोना वायरस के SOPs के खिलाफ वर्जी। न समाजी फासले को मरहूज खाते रखा, न ही मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद करवाया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को भी एक ही ट्रक में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस मुंतकिल किया गया। कोरोना से मुतल्लिक मालूमात के लिए पंजाब हुकूमत की राहबर ऐप मुतारिफ। ऐप की मदद से वायरस से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर की मालूमात सवाल और जवाब की सूरत मुयस्सर। शहरी फलों सब्जियों और अशिया खुरनोश के रोजाना के निर्ख भी जान सकेंगे। टिंडरन हॉस्पिटल में कोरोना के 2 मासूम शिकार सेहतयाब हो गए। 10 यौम से जेर इलाज 15 माह की बच्ची और 10 साल लड़के का दोबारा किया गया कोरोना टेस्ट मनफी। डॉक्टर्स ने दोनों बच्चों को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। म्यू हॉस्पिटल में भी मजीद 8 मरीज सेहतयाब। लाहौर का पहला मुतासर शख्स भी सेहतयाब होने वालों में शामिल। कोरोना के मरीजों का इलाज बदस्तूर नजरअंदाज। स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाअहली। रोस्टर में सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर के नाम गायब। सरकारी हॉस्पिटल्स में सेहतयाब होने वाले मरीजों के टेस्टों में भी ताखीर। बेशतर मरीज सेहतयाबी के बावजूद टेस्ट न होने से डिस्चार्ज न हो सके। लॉकडाउन की वजह से मामूलात जिंदगी ठप होकर रह गए। अदालतों में रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाले प्राइवेट कंप्यूटर टाइपिस्ट भी मुतासर। सारा दिन फारिग बैठने के बाद मायूस लौटना मामूल बन गया। घरेलू अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया। और शाहदरा पुलिस की कार्रवाई। हवाई फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।